उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दारोगा दिनेश मिश्रा थाना अराव में पोस्टेड थे और दहेज के किसी मामले की जांच करने गांव गए थे। वहीं से लौटते वक्त पीथेपुर चंद्रपुरा मार्ग पर जंगल के इलाके में हमलावरों ने दारोगा को गोली मार दी। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दारोगा की गर्दन के नीचे गोली मारी गई है। डॉक्टर्स का कहना था कि दारोगा दिनेश चंद्र मिश्रा को बचाने की कोशिश की गई, यहां तक कि CPR भी दिया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। दारोगा को बचाने के लिए विभाग ने ब्लड की व्यवस्था भी कर रखी थी। दारोगा मूल रूप से कन्नौज जिले के सहादतपुर के निवासी थे। दारोगा को क्यों गोली मारी गई और हत्या को किसने अंजाम दिया, ये बात सामने नहीं आ सकी है। SP आशीष तिवारी का कहना है कि कई टीमें हथियारों की तलाश में लगी हैं। दारोगा के साथ बाइक पर धीरज शर्मा नाम का एक शख्स बैठा था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। आज शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जो थाना अराव में पोस्टेड हैं, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसमें गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान रास्ता है, जिसके दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गोली चली है और वो गोली इनके अभी जो हमने देखा है यहाँ पर कि गोली जो है राइट साइड में गले के लगी है और उसमें टैटूइंग ब्लैकनिंग भी है, तो उससे उनकी मृत्यु हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, वहां दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस हत्याकांड पर UP कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट में लिखा गया कि फिरोजाबाद में सब इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा की उनके ही थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली किसने मारी, क्यों मारी, ये बात अभी तक सामने नहीं आ रही है। सोचने विषय तो ये है कि जब खाकी वर्दी ही सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा का क्या होगा। अभी प्रशासन सचेत हो और अपराधियों के विरुद्ध कड़ा रुख अख्तियार करे, वरना यही होगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। बता दें, दारोगा दिनेश मिश्रा को अंतिम विदाई दी गई, जहां उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने भी उनको नम आंखों से विदाई दी। बहरहाल पुलिस की जांच में पता चल सकेगा कि दारोगा की हत्या के पीछे क्या कारण रहे हैं और हत्या के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।